झारखंड में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। 5 चरणों में चुनाव है, जहां पर आज प्रथम चरण का चुनाव और 13 सीटों पर फिलहाल वोटिंग चल रही है, जो कि 3 बजे तक चलेगी। लेकिन इसी बीच डाल्टनगंज के कांग्रेस प्रत्याशी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने केएन त्रिपाठी को हिरासत में ले लिया है। तो बूथ पर पिस्टल लेकर पहुंचे थे केएन त्रिपाठी, और लोगों को, अपने समर्थकों को ये कहा भी गया था कि चला दीजिए गोली। लेकिन अब जैसा कि उम्मीद यहां पर जताई जा रही थी कि आखिरकार कार्रवाई यहां पर केएन त्रिपाठी पर होगी, तो फिलहाल होती हुई दिख रही है, जहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है केएन त्रिपाठी। कांग्रेस के प्रत्याशी है डाल्टनगंज से, और फिलहाल अपनी करतूतों के बाद अब ये हिरासत में ले लिए गए हैं। तो बूथ पर पिस्टल लेकर अंदर पहुंच गए थे केएन त्रिपाठी, और इसी को लेकर अब बीजेपी ने जिस तरह से कहा था कि कार्रवाई इस पर की जाए और चुनाव आयोग भी इस पर कोई एक्शन ले, तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और उसके बाद जांच के निर्देश की बात कही गई। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि डाल्टनगंज के कांग्रेस प्रत्याशी को हिरासत में ले लिया गया है। तो बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थकों ने इस दौरान भारी हंगामा किया गया था उनके जरिए कि आखिरकार जो नियम है उन नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया। और उसके बाद ये बड़ी खबर, जहां पर डाल्टनगंज के कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी को हिरासत में ले लिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, न सिर्फ इस दौरान केएन त्रिपाठी के हाथ में पिस्टल थी, बल्कि उनके समर्थकों के हाथ में भी थी, और ऐसे में अब कार्रवाई यहां पर की गई है और केएन त्रिपाठी को हिरासत में ले लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ झारखंड में 13 सीटों को लेकर वोटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डाल्टनगंज के पलामू में एक बूथ पर केएन त्रिपाठी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो जब वहां पर पहुंचे तो अपने पिस्टल के साथ दबंगई दिखाते हुए, अपना रसूख दिखाते हुए, और अब कहीं ना कहीं उनकी दबंगई और जो रसूख है वो धाराशाही हो गया, क्योंकि कानून का डंडा उन पर चल गया है और हिरासत में फिलहाल केएन त्रिपाठी को ले लिया गया है। तो बूथ पर पिस्टल लेकर चलना, वहां पहुंचना केएन त्रिपाठी को भारी पड़ गया। और ये फिलहाल उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, R9 TV एक्सक्लूसिव ये तस्वीरों को आपको दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं केएन त्रिपाठी और उनके हाथ में वो पिस्टल है, जिसको कहीं ना कहीं एक खौफ के रूप में या फिर अपनी दबंगई के रूप में वहां पर लेकर पहुंचे थे केएन त्रिपाठी। लेकिन अब कार्रवाई उन पर हो गई है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो किस तरह से जब बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थकों ने ये देखा पिस्टल केएन त्रिपाठी के हाथ में, तो उसी बीच ये हंगामा शुरू हो गया। और उस दौरान जब लोग भी हल्ला करने लगे, तो वहां पर मौजूद लोगों पर गोली चलाने के भी आदेश दिए, यानी कि पहले तो चोरी की गई और उसके ऊपर से सीनाजोरी, नियमों का उल्लंघन किया गया, व्यवस्थाओं को जहां पर चुनावों के दौरान दुरुस्त किया जाता है, क्योंकि ये नक्सली इलाका है इसलिए 3 बजे तक वहां पर वोटिंग होगी, लेकिन उसको भी दरकिनार करते हुए, अपनी दबंगई को दिखाते हुए केएन त्रिपाठी बूथ पर पहुंचे थे, और वहां पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिलहाल हिरासत में ले लिए गए हैं केएन त्रिपाठी। जिस तरीके से केएन त्रिपाठी वोटरों पर पिस्तौल ताने हुए हैं, ये साफ दिखाता है कांग्रेस का लोकतंत्र पे नहीं बंदूक तंत्र पर विश्वास है। केएन त्रिपाठी बूथ में वोटरों को पिस्तौल निकालकर डरा धमका रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि अविलंब इस पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये तो गुंडागर्दी वाली बात हो गई। जिस तरीके से वो भीड़ में पिस्तौल निकालकर घूम रहे हैं, अपने अंगरक्षकों के साथ, वोटरों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, ये वोटों को लूटने की साजिश है, और अब इस पे चुनाव आयोग को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए।